जय सिया राम। हरिओम हरिओम। बिहार के दरभंगा ज़िले में अभी शाम के 5 बजे से आने वाले 3 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया है। मतलब वाईफाई के जो सर्विसेज होती हैं, बच्चे सब जो अपना कोचिंग वोचिंग का ऑनलाइन जो पढ़ते उड़ते हैं, मतलब इंटरनेट समझ सकते हैं, तो संचार व्यवस्था को दरभंगा शहर ने ख़त्म कर दिया है। प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्यों ख़त्म किया है? क्योंकि दरभंगा में एक कमतौल थाना है, पुलिस स्टेशन है कमतौल, वहाँ पे मल्लपुरा गांव है, उसमें हरिहर टोला है। हरिहर टोला में एक श्मशान घाट है, एक ज़मीन है जहाँ की धर्मपुरा के श्रीकांत पासवान की मृत्यु हुई और उनके शव को जलाने के लिए लोग आए। तो वहाँ पे मुसलमानों की जो कुछ आबादी है वो वहाँ पे आए, बोले कि यहाँ तुम लोग अपने शव को नहीं जला सकते। उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है। अचानक से ये ज़मीन उनकी कैसे हो गई, ये तो खैर बाद की बात है। और मुसलमानों में तो कब्रगाह होता है, वहाँ तो दफनाते हैं, यहाँ तो शव को जलाते हैं। तो फिर अब सोचिए कि इतनी दुख की घड़ी में एक पिता की मृत्यु हुई है, बेटे और समाज के लोग गए हैं दाह संस्कार करने, वहाँ पे एक मुसलमानों का दल कहता है यहाँ तुम अपने शव को नहीं जला सकते। बातचीत हुई होगी, मतलब आप समझ सकते हैं माइंडसेट को, एक जो कह रहा है कि अपने शव को नहीं जला सकते। किसी ने पुलिस को खबर कर दी होगी, देखा कि बहुत हीट हो गया, गर्मी हो गई है, क्योंकि ये मुसलमान लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया था। और सुनिए, वो लोग जब आए तो इन लोगों ने शव में अग्नि डाल दी थी, पिता को पुत्र ने अग्नि दे दी थी, जलते हुए शव को फेंका। ये अखबार की कटिंग है, देखिए। पुलिस आई वहां, पुलिस पे भी पत्थर पड़े दबा के, आधा दर्जन पुलिस घायल हैं। पुलिस की प्रेजेंस में जबकि वो घायल हुए हैं, वो रोक नहीं सके, और भी कुछ पुलिस वहां से शायद मंगानी पड़ी। किसी तरह से दाह संस्कार पूरा हुआ और पुलिस ने इसे ट्विटर पे इस घटना को लिखा। अब ट्विटर पे देखिए ट्विटर पे उन्होंने कहा है कि हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, विशेष समुदाय के लोगों की बात है, ये 8 लोग कौन से हैं, कहाँ से आए, क्या दावा कर रहे थे। अरे FIR लिखी जा रही है, लिखी नहीं गई है, लिखी जा रही है, ठीक। विशेष समुदाय लिखते हैं, मुसलमानों ने दलित का उत्पीड़न किया, या ऐसा नहीं लिख सकते। सत्ता की जो व्यवस्था है उसको इसे दर्द होता है, ये जंगल राज की पराकाष्ठा है, ये मैं कह रहा हूं। इसी दरभंगा में एक दूसरी घटना ये घटी कि लिखा है विशेष समुदाय के लोगों ने धार्मिक, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, धार्मिक झंडे को लेकर पूजा स्थल पे जाकर के प्रदर्शन किया और उसमें 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब कौन थे, कहाँ गए थे, जरा सोच लो आप, पूजा स्थल कौन सी होती है। मतलब कि एक छोटी सी घटना याद दिला दूं, रामनवमी में बिहार सरकार ने, बेगूसराय की घटना है, जितने भी DJ PJ थे और जो रामनवमी जहाँ पूजा वूजा होती थी सबको एडवांस में गिरफ्तार कर लिया था, और वो जितने DJ थे सब सीज कर लिए थे कि ये लोग नारा ना लगाएं, सड़कों पे गाना ना गाएं, एडवांस में, कि एक विशेष समुदाय को, मुसलमानों को आहत होगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी।
अब नीतीश कुमार तो निकम्मे हैं, नकारे हैं, दल बदलू हैं, पलटू राम हैं, बिहार को जंगल बना दिया। हरिओम, तथ्य देखिए, जो मृतक हैं दलित हैं श्रीकांत पासवान, और जो उनके सब को नहीं जलाने दिया वो जो मुसलमान है, कोई अशराफ नहीं है, वो पसमंदा मुसलमान है। पसमंदा जब हम कहते हैं तो जो बेसिकली मोदी जी की जो सरकार है जो कर रही है पसमंदा मुसलमानों के साथ, न्याय नहीं हुआ है, उनको दूसरे दर्जे का बना के रखा गया, उनकी गति हो प्रगति हो, उनके लिए उस सैकड़ों योजनाएं बना के आए हैं, तो वही पसमंदा मुसलमान जो हैं दलित के खिलाफ इस केस में खड़ा हुआ। और जय मीम जय भीम जो है दलित और मुसलमानों का एक नारा है। यहाँ सारे मीम वाले भीम वाले मर गए, कहाँ चले गए, उनकी एकता कहाँ चली गई। सच्चाई ये है कि ये जो पसमंदा मुसलमान हैं जिन्हें राजनीति में बहुत ही मजबूती से लाया गया है, उनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, उनके लिए योजनाएं बनी हैं, उनकी तरक्की के लिए देश व्यार संतुष्टिकरण तृप्तिकरण हो रहा है, फुट सोल्जर्स हैं वो। ये लोग जो पत्थर फेंकने में आगे रहेंगे, जलाने में आगे रहेंगे, मारने में आगे रहेंगे, जो अशराफ वर्ग हैं, जो बड़े हैं, अपने को अरबी मुसलमान बताते हैं, उनके बच्चे तो बड़े स्कूलों में कॉलेजों में और विदेशों में रहते हैं, वो तो उनके इस्तेमाल करते हैं। हरिओम, दो पत्रकार ऐसे हैं जो बड़ा नाम हो गया है सोशल मीडिया पर, अजीत अंजुम और रवीश कुमार, इन दोनों को भी मुँह में बवासीर है, अभी जाम हो गया, खून निकल रहा है, अभी नहीं कुछ बोलेगा। अभी इस घटना पे ना अजीत अंजुम कुछ बोलेगा, ना वो रवीश कुमार कुछ बोलेगा, सूट नहीं करता ना। जय मीम जय भीम को तो बिल्कुल ही उलट बात हो गई है ना। चलिए, भारत में जब तक सनातन संस्कृति के लोग, हिंदू लोग बहुसंख्यक हैं, यहाँ सेकुलरिज्म है, यहाँ सर्वधर्म संभाव है, ये तो तय है। अगर ये भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक में है हिंदू। नहीं तो जहाँ भी पॉकेट्स की बात करें, अब सोचिए कि मोदी सरकार की तृप्तिकरण की पराकाष्ठा ये है कि बिहार में जब किसी दलित की शव को, दलित के मृतक को जलाने पे भी पत्थरबाजी होती है, पुलिस के साथ होती है, पुलिस में घायल होती है, तो वहां की भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में होती है उसके भी बवासीर का खून कहीं जम जाता है, बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें हैं ऊपर से नीचे आती हैं, बारिश की बूंदी ऊपर से नीचे आती हैं, जो जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे आता है, तो सत्य सनातन की बातें भी ऊपर से नीचे तक तैरती आती हैं। तो ऊपर ही करप्ट है, भ्रष्ट है, तृप्तिकरण चल रहा है। बताइए आप, बिहार में बिहार सरकार के विरोध में मजदूरों के साथ खड़ा होने वाला मनीष कश्यप जैसा पत्रकार पर एनएसए लगता है और वहां की विपक्ष खामोश रहती है। एनएसए तो लगता है तो लगता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उसने तीन तीन बार सुनी भाई मनीष कश्यप की केस को, उस पर एनएसए लगा है, अभी भी जेल में है। अब वही जज जो है सीजीआई चंद्रचूड़, उसने जुबैर के लिए कहा था इसको 6 बजे से पहले शाम से पहले रिहा करो, वो खतरनाक आदमी, फैक्ट चेकर नहीं है, वो लाई स्पीकर है, झूठ बोलने वाला आदमी है, किसी वीडियो को काट छाट करके उसका यू टूल किट है अपना फैला देता है, दमाद मना बैठा है सुप्रीम कोर्ट का भी, तिस्ता से तलवार, जिसने कि झूठे मुकदमे, झूठे वीडियो, झूठे सब कुछ किया, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने ये बात कही, उसके लिए रात के 9 बजे भी बेंच गठित होती है, क्योंकि गुजरात का हाईकोर्ट ने कह दिया आओ उसको आने दो अदालत में, उसको अदालत नहीं जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट बेंच गठित करती है, एक बार नहीं दो दो बार एक ही रात में,
ये भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है हिंदू सनातनियों के विरोध में है, उसको जूते की नोक पर रखा हुआ है, उसको विनाश जारी है भारतीय राजनीति की सत्ता की व्यवस्था और यहाँ की कानून की व्यवस्था हिंदू सनातनियों को मिटाने का काम कर रही है, विनाश लीला जारी है। और अभी कश्मीर बन रहा है मणिपुर और बिहार अगला पड़ाव है उसका। मिथिलांचल में ये दरभंगा है, मिथिलांचल का गढ़ है, आत्मा है दरभंगा। तो अब मिथिलांचल के जो और जो बाकी भाग हैं, जो पूर्णिया हैं, कटिहार हैं, योगबनी हैं, फारबिसगंज हैं, किशनगंज है, ये सब मिथिलांचल के कोर हैं, जिसे कि लोग सीमांचल कहने लग गए हैं। वो मुसलमान जो हैं उदाहरण के बांग्लादेशी घुसपैठियों से वो ठुस गया, वो जगह रोहिंग्याओं से ठुस गया है और सरकार मजे ले रही है कान में तेल डाल के। और नीतीश कुमार पलटू राम जो हैं वो शांति का चलम पी के मस्त बने हुए हैं। और ये लालू पुत्र जो तेजस्वी है वो तो है ही, वो तो पिता का ही उत्तराधिकार है। यादव मुसलमान की राजनीति थी, बाद में दलित उसमें जुड़ गया। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सच जानने के लिए उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं आऊँगा, कुछ सच्ची बात कहूँगा, आप सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो ये चैनल आपका है। जय सियाराम, हरिओम।